रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। हर विषय को राजनीति से न जोड़े कांग्रेसी, ऐसा कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। आंकड़ों की बात करने से क्या होता है, मेरे पास भी आंकड़े हैं। एक दूजे पर आरोप लगाने से फायदा नहीं, पूरे समाज को मिलकर जुटना पड़ेगा, ऐसा कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। सरकार अपराधियों को दफन करने में लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया है। शिवानी, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है जी। आज के मौके पर मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार के द्वारा बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को बढ़ाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है जी। तो वही कांग्रेस के द्वारा उनका जो ट्विटर हैंडल है आधिकारिक एमपी कांग्रेस, वहां से ट्वीट किया गया और शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया कि आपके राज्य में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से आंकड़े भी दिखाए गए महिला अपराधों को लेकर जी। ये इस पर जब शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया कि आप तो पंख अभियान की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस को आपसे ही सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है, आंकड़े अगर वो बता सकते हैं तो मैं भी बता सकता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकाल से हमारी सरकार के कार्यकाल में 15% अपराध कम हुए, आंकड़े वो बताएंगे, आंकड़े हम बताएंगे। एक दूसरे को गाली देने से क्या होगा, हमें सभ्य समाज का निर्माण करना है, हमें बालिकाओं को बचाना है, बालिकाओं को सशक्त करना है, इसलिए राजनीतिक द्वेष से दूर हटके हर किसी की मदद करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा जी। महिलाओं और बालिकाओं से उन्होंने पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कहा भी था कि अब डरने और सहने की जरूरत नहीं है, बेटियों को परेशान करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद भी क्या ये पलटवार करना ठीक है? आपको समझना पड़ेगा शिवानी, जो पलटवार किया गया है ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के से जो ट्वीट किया गया था उस पर पलटवार किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को अलग तरीके से संबोधित किया, शौर्य दल के जो सदस्य उनसे भी शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब मैं बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए सवाल आपके दोनों अलग अलग हैं। एक तो जो आप ट्विटर की बात कर रही हैं वो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल पर शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, वहीं आज जो पंख अभियान के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की बेटियों को से संवाद किया, उनको भरोसा दिलाया कि उनका मामा उनके साथ खड़ा है, उनके साथ जो भी अपराध करेगा उसे छोड़ा मध्यप्रदेश में नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, जिसमें कार्यक्रम में जब शुभारंभ किया था तब सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान था, अब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पलटवार करते हुए हर विषय को राजनीति से जोड़े कांग्रेसी, ऐसा सीएम शिवराज सिंह ने कहा था। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर विषय को राजनीति में ना घसीटें, केवल आंकड़ों की बात करने से क्या होगा। मेरे पास भी आंकड़े, मैं कहूंगा 15% अपराध कम हो गए कांग्रेस के जमाने से, लेकिन इससे कोई फायदा होगा क्या? एक दूसरे को गाली देने से काम नहीं चलेगा, मिलकर पूरे समाज को जुटना पड़ेगा। कुछ तो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम मिलकर विचार करें, मैं अच्छा और तू बुरा बस गाली देते रहो, इससे ना तो बहनों का भला होगा ना बेटियों का भला होगा। सरकार अपराधियों को दफन करने में लगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर विषय को राजनीति में ना घसीटें,